गाइस वेलकम टू भीमताल। सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं भीमताल और इसके बाद दिखाएंगे हम आपको नैनीताल। सो ये आ चुकी है लेक, ये है भीमताल और इसके बाद हम जाएंगे नैनीताल। सो ब्लॉग लास्ट तक देखना पूरा। गाइस एक खास चीज है इस लेक में, इसके बीच में एक आइलैंड और इस लेक के बीच में जो टापू में वहाँ कैफे है, ऐसा साफ नहीं दिख रहा होगा बट वहाँ लिखा पड़ा है। बवाली नगर में आपका स्वागत है। ग्रीनरी चेक करो गाइस, ग्रीनरी कितनी, और इतनी ठंडी हवा आ रही है ना। हेलो हाय गाइस, हाय गाइस, नहीं 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 नैनीताल करेंगे। गाइस एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छता की लहर चली। अरे नहीं नहीं धन्यवाद। गाइस बोट ले ली और अब हम जाने वाले हैं टापू और आपको दिखाएंगे भीमताल का टापू। कौन सी हमारी नाव बाप उत्तर लाइक किया। डरी बहुत लग रही है यार यहाँ। अरे बै चल, हैंडल हो तो पता सानू। इधर आ, इधर इथे सारा। गड्डी नहीं चलानी, गड्डी साड़ी हवेली वाल मोड़ दे। हुण अरे यार कैसी हो रही है, मारो पेडल, गड्डी हवेली वाल मोड़ दो, हैंडल फड़ के रखी। चल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए गाइस। ओके ओके थैंक यू भैया। गाइस यहां से टापू है 1 किलोमीटर दूर और बोट ले ली हमने और हम जाने वाले हैं टापू के अंदर और आपको दिखाएंगे क्या है टापू के अंदर। 500 का टोटल मिला के लग चुका है जूना, 100 रुपये अंदर जाने का लगा, 350 रुपये लगा है हमारी बोटिंग का। और तो देखते रहिए लास्ट तक, बहुत मजा आने वाला है आज तो। पर हम इसमें जाने वाले हैं टापू, देखो बीचों बीच इसके अंदर है क्या तो वो दिखाते हैं आपको। इसमें आने वाला है बीड़ू मजा। तो उससे पहले, अंदर जाने से पहले, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, वो तो पहले ही कर दो, फिर ही हम अंदर जाएंगे। गाइस टापू की ओर पहुंच चुके हैं, अंदर जाने वाले हैं। आई होप आप सबने लाइक सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। तो अब चलते हैं अंदर, पहले भैया जी से मिलते हैं और अपनी बोट को लगवाते साइड में, क्योंकि वापस भी जाना है, नहीं तो टापू में ही ना रहना पड़े हमें, ऐसा ना हो जाए कि ले जाए और हमें यही रुकना पड़े। देखो चच्चा ही गेली भगाई जा रहा है बोट भी। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं टापू में, ये देखो एक्वेरियम कैफे। लगवाओ यार हमारी गड्डी, लगवा दो यार। सो गाइस पहुंच चुके हैं हम एक्वेरियम कैफे, ये लिखा है, और दिखाते हैं इसके अंदर चलते हैं। चारों तरफ लेक और लेक के बीच में हम लोग। गाइस एक्वेरियम कैफे में एंटर हो गए। गाइस ये है एक्वेरियम कैफे, केड़ी ये है अफ्रीकन मछलियां देख लो गाइस।
पैरट येलो एंजल फिश है। कितनी छोटी छोटी फिश है। कलर चेक करो गाइस इनका। ये देखो बारा बीच में गाइस, ये बिल्कुल टापू जो आपने मैंने चलते हुए दिखाया था वही वाला टापू है। उसके अंदर ये चीजें हैं, खाने पीने का भी है, वो भी करेंगे अभी, पहले ये देख लेते हैं। आ केड़ी प्रजाति मच्छी थी। एलिगेटर की हट जा। गाइस ये एक्वेरियम कैफे में खाली कैफे कैफे कह रहा हूँ, खाली एक्वेरियम ही एक्वेरियम है मुझे लग रहा है, और तो कुछ है नहीं। गाइस फिशेस का कलर चेक करो, ऐसी फिशेस आपने देखी है तो कमेंट कर देना, नहीं देखी है तो भी देख लो आज, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। न्योन एक्वारा न्योन उत्ते वेख के चल रहे हैं। साडिया का दिया शमा शमा पै गईया ने कुछ कह दिया ने। चल वीडियो एक रील बनाया मैं। गाइस सेंटर ऑफ द लेक टापू में खड़े हैं हम लोग, दिखाई दिया आपको पूरा टापू, पर बहुत बहुत बढ़िया लोकेशन है गाइस। टापू तो आपने घूम लिया होगा भैया, अब नाउ इट्स टाइम टू बाय बाय टापू। आगे आगे गाइस टापू घूम लिया है और अब आपको चेक कराते हैं यहाँ का मौसम, बहुत ही जो कि बहुत ही प्यारा हो रहा है। सो आप लाइक कमेंट शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना और देखते रहो लास्ट तक। कभी तो नैनीताल भी जाना है, ये तो खाली भीमताल का अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो भी बाकी है। शेर दिखाएंगे आज के ब्लॉग में आपको, जू चलेंगे नैनीताल में, बहुत टाइम से नहीं देखा शेर, मिल के आते हैं उससे भी। बाकी ये वाला व्यू चेक करो आप, सामने ऊपर धूप आ रही है, नीचे छाया आ रही है, ये है भीमताल का मौसम। और ये घर कितने प्यारे हैं यार, छोटे छोटे घर हैं और इतने प्यारे लग रहे हैं। सो गाइस भीमताल तो घूम लिया है, अब चलते हैं नैनीताल और नैनीताल भी दिखाते हैं आज आपको। आज एक ही दिन में दोनों जगह घूम देंगे, दोनों टूरिस्ट अट्रैक्शन उत्तराखंड की, और बहुत ही बढ़िया जगह है तो आपको दिखाते हैं। गाइस मौसम चेक करो भीमताल का, मेरे सामने सामने पूरा मौसम बदल गया है। और नाउ इट्स टाइम टू बाय बाय भीमताल, हम मिलते हैं सीधा चल के नैनीताल आपको। जगह घूम रहा है ये भी, भीमताल घूमने आया है। गाइज वेलकम टू नैनीताल, नैनीताल में एंट्री हो गई हमारी। नैनीताल
स्वागत है। सो गाइज नैनीताल पहुँचते ही यहाँ क्रिकेट मैच चल रहा है। थोड़ी देर क्रिकेट मैच देखा मैंने और बहुत ही तगड़ा मैच चल रहा है यहाँ। सो अभी चलते हैं लेक की तरफ और लेक की तरफ का व्यू दिखाते हैं आपको और यहाँ से व्यू चेक कर लो। मौसम देखो बारिश वाला हो रहा है पूरा और ट्रैफिक और यहाँ तो पार्किंग भी पूरी फुल है, पर कोई नहीं कर लेंगे कॉम्प्रोमाइज। गाइज नैनीताल की भोटिया मार्केट गाइज यहाँ का बहुत ही फेमस मोमो है। गाइज ये है माँ नैना देवी मंदिर, अंदर से दिखाते हैं हम आपको। ये है मंदिर सामने आपके और दूसरी साइड गुरुद्वारा भी है, वो भी दिखाते हैं आपको। चलते हैं यहाँ से। गाइज ये यहाँ की मार्केट है नैनीताल की, बहुत ही ज़्यादा फेमस है और चारों तरफ से देख लो बहुत ही शॉप्स हैं यहाँ पे, आप भी विजिट करो। और ये सामने गुरुद्वारा भी है। सो आगे आगे देखते रहना लास्ट तक, सब कुछ दिखाऊंगा आज आपको, डिटेल में बताऊंगा नैनीताल के बारे में। गाइस ये है फेमस मोमो ऑफ नैनीताल, टेस्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या रिव्यू इसका। ये चटनी, ये प्याज, ये सिक्योरिटी एक घंटे की है ना? जी 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 साढ़े 300 रुपया ले आई पर चार वाली है तो फिर बाद में यार ये आधे घंटे 600 में सर जी पर ना 100 रुपया फिर अड्डो लेना ही ना 100 कर दो सिक्योरिटी मिल जाएगी याद रखे हो। ला दो ये तो दे दो टिकट है ये लो सर जैकेट पहन ही जाएगा हां लाइव लेवल ले जाएगी बड़ी खतरनाक फोटो होगी अंदर। हां फोटो उठ वाला हिटम बड़ा खतरनाक ही भाई उथे नहीं ठीक यार तीन लोग ने तीन गड्डी कड्डो वधिया वाली जेड़ी चलदी होए स्मूथली मैं जने ड्रैगन वाली गड्डी ना ड्रैगन वाली ड्रैगन वाली कोई तरह कोई तीन लोग है। हां तीन लोग और ड्रैगन ड्रूवन दो यार लोग देखे मैं भारी चलेगा ना तीन आदमी से। अच्छा भारी चलेगा चल भाई पलटे उल्टे की तो नहीं ओ बैचो ला ब्रावा बग्गे होनी नजारे लैन दे नैनीताल च आ गए ने आज फॉर्म च ने पूरी तुसी आराम ना व्यू देखो फोटो फोटो खिचो हैं किन्ने होना दी वीडियो बनाओ नैनीताल देखो ते आ गाइस किन्ने होगे गाइस जो भी है यहीं पे हां हां और पीछे मारो और गियर करो गड्डी दा गियर कड भाई गाय बचपन से सुनते आ रहे हैं इसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं है। तो अगर आप भी नैनीताल आओ तो लाइफ जैकेट जरूर पहन लेना नहीं तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा आपके लिए भी। गाइज ये क्या है पानी के बीच में ये नहीं। साइक्लोन की तरह ये देखो गाइज मौसम चेक करो बारिश आने वाली है मुझे तो लग रहा है ऐसा कुछ बहुत ठंड लग रही है भाई के राउंड खड़े हो जल्दी खेचो गड्डी खेच भाई इतनी ठंड हमारे वहां बहन जो 40 डिग्री हो रहा है और 60 किलोमीटर ऊपर आते ही टेम्परेचर हो गया 17 डिग्री और हमें ठंड लग रही है बहुत हो गया हमें बुखार जाते ही लेनी पड़ेगी दवाई शेर और तो मुझे लग रहा है ऐसे मर जाएगा। गाइस बारिश चालू हो गई है और बारिश की वजह से सारे प्लान चौपट हो गए। हम लोगों ने जू भी जाना था और जू का भी प्लान कैंसिल हो गया तो अब देखते हैं क्या करते हैं। बारिश बहुत ही तेज हो गई है
गाइस बारिश बहुत तेज हो चुकी है, कम से कम 10,000 लोगों का प्लान चौपट हो गया ड्यू टू हैवी रेन। आप देख ही सकते हैं और हमारा भी चौपट हो गया, उनमें से एक हम भी है और बर्फ गिर रही है यहाँ पे। नैनीताल में हो तो वो गाइस लाइव स्नोफॉल, ये देखो बर्फ बर्फ भी गिर रही है। पिक्चर हॉल बोटिंग बीच लेक के देखो गाइस, लोगों का उत्साह देखो नैनीताल घूमने का, लोग पन्नी लेके बोटिंग कर रहे हैं। कितनी बारिश हो रही है यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, लोग अभी भी बोटिंग कर रहे हैं। गाइस बारिश हट गई है और मौसम बहुत अच्छा हो चुका है और बोटिंग फिर से स्टार्ट हो चुकी है नैनीताल में। आप देख सकते हैं सामने लोग फिर से बोटिंग करना चालू कर दिया है इन्होंने और मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है, ठंड भी लग रही है थोड़ी थोड़ी। हम तो प्लेन से आए, हमें इतना भी नहीं पता था कि बहुत ठंड है यहाँ तो आज, और काफ़ी इन्जॉयमेंट किया। घर जाने का टाइम हो चुका है क्योंकि 5 बज गए हैं, बहुत टाइम लग जाएगा घर पहुँचते पहुँचते।